हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ रैंडम सी चीज़ें आप लोग देखने वाले हैं, जैसे कि प्लांट हंटिंग से लेके आप प्लांट अनबॉक्सिंग तक। मैंने कुछ ऑनलाइन से ख़रीदा है और कुछ मैंने नेचर से लिया है। आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैलेडियम्स है, जो कि आप बोल सकते कि सी ऑफ कैलेडियम्स। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी पे है। अगर आप लोग गुवाहाटी के आसपास में है तो आप लोग यूनिवर्सिटी से आके ले सकते हैं। देन आप होया देख सकते हैं, तो होया के ऊपर होते हैं। तो मुझे मिला नीचे से, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स भी, फ्लावर्स की पेटंकल लगी हुई है। देन आप देख सकते हैं ये कैलेडियम बहुत सुंदर है, हालांकि मैं लेके नहीं आई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए मैं नहीं लेके आई। देन आप लोग देख सकते हैं इस एरिया में, ये थोड़ा ऊंची एरिया है जहाँ पर, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट में होता है। आप देख सकते हैं ये है ब्यूटीफुल सी लेंटेना। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बाई कलर में होते हैं लेंटेनस, और मैंने लेंटेनस देखी है, मैंने नर्सरीज पे भी देखी है जिसमें सिर्फ वन कलर की होते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पॉट में लगाएंगे तो बहुत सुंदर होते हैं। और मैंने एक कलर की देखी है जिसमें ऑरेंज, रेड, ऐसा कुछ है, येलो भी है। मैंने वो यूनिवर्सिटी पे देखी है, ये थोड़ा यूनिवर्सिटी के बाहर है। आप देख सकते हैं इसकी इसमें ज़्यादा नहीं लगी है अभी, लेकिन जब लगते हैं बहुत अच्छे से ये भर जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने इसीलिए इसको लेके आई क्योंकि मैं कभी भी नहीं लेके आई थी। देन मैं ये अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, जो मैंने एक प्लांट ऑर्डर की थी और ऑनलाइन से लिया था मैंने इंस्टाग्राम से, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ और फेसबुक से आजकल मैं ऑर्डर भी नहीं लेती। मैंने बहुत महीनों के बाद मैंने ऑर्डर लिया है, शायद ये 2022 की फर्स्ट, आई थिंक सेकंड हो सकती है, क्योंकि मैंने एक सिंगोनियम लिया था मेरी बर्थडे पे। ये है वेरीगेटेड बर्ली मार्क्स। इसमें आप देख सकते हैं लाइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने शाम को वीडियो बनाई है, और आप देख सकते हैं इसमें दो लीफ है और रूट्स भी अच्छे से है। लेकिन मैंने सोचा था कि ये पॉट में आएंगे अच्छे से, लेकिन ये पॉट में नहीं आया, ये स्पेगनम मॉस में आया थोड़ा सा, तो मैंने इसको पॉट में लगा दिया है ऐसे ही सिंपली। लेकिन मैं इसको अच्छे से पॉटिंग करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी भी। इसकी प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगी क्योंकि प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अभी इस प्लांट की प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि इसकी प्राइस थोड़ा मैंने ज़्यादा दे दिया है क्योंकि सिर्फ दो प्लांट है। देन आप देख सकते हैं न्यू सूट है यहाँ पर, एक दो तीन चार करके। इसके लिए मैंने सिंपल जो पोटिंग मिक्स है मैंने बो लिया है, इतना ज़्यादा एरी पोटिंग मिक्स नहीं है, इसमें सब कुछ मिक्स है, बट ये इतना ज़्यादा एरोइड के लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। अच्छा है, सल जाता है मतलब, लेकिन इतना परफेक्ट पोटिंग मिक्स नहीं है। अगर आप पोटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से पोटिंग कीजिएगा, मतलब अच्छा पोटिंग मिक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो। आजकल ये प्लांट, ये जो है इसकी प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता है, पहले बहुत था, तो आप लोग ख़रीद सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो। मुझे भी बहुत दिनों से चाहिए था इसलिए मैंने इस बार ले लिया। देन मैं होया को पोटिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए भी जो पोटिंग मिक्स है बहुत सिंपल पोटिंग मिक्स है, आप देख सकते हैं इसकी पेडेंकल्स, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब अच्छा पोटिंग मिक्स नहीं है। लेकिन ये फ्लावर खिलेगा कि नहीं खिलेगा मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट प्लांट ग्रो होने से होगा मेरे लिए। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये ही लेके आई जिसमें ज़्यादा पेडेंगल्स था, लेकिन वो जो एक और था वहाँ पर, मेरी फ्रेंड ने ले लिया, मैंने जस्ट इसको ही लाई हुई एक
एक स्टेम आप बोल सकते हैं। सो इसके लिए मैंने सिंपल पोटिंग मिक्स लिया है। सो ये शायद होया कार्नोसा है जो नॉर्मल वाला, और वीएक्स होया भी बोलते हैं इसको शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि होया मैंने ख़रीदा नहीं है, क्योंकि होया और डिस्किडिया जो होते हैं सेम प्लांट है, मतलब उसकी केयर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम तरीके से ही करना पड़ता है। लेकिन डिस्किडिया के साथ डिस्किडिया इतना ईजी भी नहीं है, सो इसीलिए मैंने होया नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मैं एरोइड में ज़्यादा हूँ, जैसे कि फिलोडेंड्रोन सिंगोनियम्स के साथ ज़्यादा हूँ मैं। और जो मैं पोटिंग मिक्स मैंने यहाँ पर दिया है, मुझे पता है ये पोटिंग मिक्स इसके लिए परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने इस पे लगाया है क्योंकि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो मैंने इसको यहाँ पर ही लगाया, मैं जस्ट इसकी रूटिंग देखना चाहती हूँ, रूटिंग के बाद मैं इसको अच्छा पोटिंग मिक्स में इसको लगाऊँगी। और मैं जो फिलोडेंड्रोन बर्लीमक्स मैंने दिखाया है उसको भी मैं जब अच्छे से रूटिंग हो जाएगा मैं शायद इसको भी अलग सी पोटिंग मिक्स में लगा दूंगी, क्योंकि ये पोटिंग मिक्स अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने लेंटेना को पोटिंग कर दिया है। मुझे नहीं पता लेंटेना कटिंग से होता कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको कटिंग से ग्रो कर दिया है। आप देख सकते हैं बारिश हो रखी है। सो जो बर्लीमक्स मैंने ख़रीदा था बहुत प्राइसी है, तो 1000 में मैंने ख़रीदा है, 2 लीफ है उसमें, थोड़ा सा मल्टीपल सूट्स है, लेकिन सब सूट्स होगा, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं।